झुंझुनू में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता देखने को मिली, जहां दो दिन से जिले के अधिकांश इलाकों में बारिश का दौर है। कल सुबह से ही जिले में घना कोहरा छाया हुआ है और घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी में कमी आ गई है। 40 से 50 मीटर की विजिबिलिटी से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं देर शाम झुंझुनू शहर गुड़ा गोर्जी, बड़ा गांव, खेतड़ी नगर व सिंघाना बिसाऊ क्षेत्र में आधे घंटे से ज्यादा बारिश हुई। बरसात से रबी की फसल को नुकसान की संभावना है और अधिकतम तापमान की अगर बात करें तो 2.1 डिग्री से घटकर 27.4 व न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से गिरकर 16.7 डिग्री पहुंच चुका है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं झुंझुनू से। झुंझुनू की ये तस्वीरें हैं, जहां पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से कोहरा छाया हुआ है और कोहरे से वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और जिस तरह से देखा गया है कि बारिश का दौर लगातार जारी है और इस घने कोहरे से विजिबिलिटी में भी काफी कमी आ गई है। 40 से 50 मीटर की विजिबिलिटी है और ऐसे में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता देखने को मिल रही है। सिंघाना बिसाऊ क्षेत्र में आधे घंटे से ज्यादा बारिश हुई। इससे देखा गया है कि ठंडी हवाओं का दौर भी शुरू हो गया है और कोहरे से आमजन को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रदीप झुंझुनू से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, किस तरह का मौसम झुंझुनू में देखने को मिल रहा है, क्योंकि कोहरे की वजह से आमतौर पर देखा जाता है कि जो दोपहिया चालक है उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल, ऐसे दो दिन से लगातार मौसम ने परिवर्तन हुआ है और बारिश का दौर भी देर शाम तक जारी था। उसके बाद जो अल सुबह है यहाँ झुंझुनू जिले में घना कोहरा छा गया, यानी दृश्यता 40 से 50 मीटर की रही है। तो इससे अच्छी खासी परेशानी वाहन चालकों को देखने को मिल रही है। वाहन चालक रेंग रेंग कर मुश्किल से ये सड़कों पर चल रहे हैं। वहीं तो आमजन को भी इस कोहरे से परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। और लगातार दो दिन से जो बारिश हो रही थी क्षेत्र में, उसके बाद जो तापमान में भी गिरावट दर्ज हुई है। न्यूनतम तापमान 16 डिग्री यहाँ पर आ चुका है। लेकिन इस जो मौसम परिवर्तन हुआ है, इससे किसानों को जरूर अच्छी खासी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि भुवाना क्षेत्र में दो दिन पहले जहां ओलावृष्टि हुई थी, तो कल देर शाम गुड़ा गोर्जी है, भुवाना क्षेत्र है और ये बिसावा, यहां पर भी बारिश हुई थी। तो बारिश से रबी की फसलों को नुकसान हुआ है, यहाँ फायदा होने की संभावना नहीं हुई है। जी आई प्रदीप, किसानों के भी आपने बात की तो देखा जा रहा था कि इससे पहले भी जब बेमौसम बारिश हुई थी तब से ही किसानों के चेहरे पर मायूसी आ गई थी, मुआवजे की मांग कर रहे थे। तो एक बार फिर से देखा गया है कि मौसम के मार किसानों को झेलनी पड़ रही है। जी ऐसी इस बार की जो रबी की फसल है, इसको तीन से चार बार जो किसान है लगातार नुकसान ही उठाना पड़ रहा है। जो कि दिसंबर जनवरी में जो अच्छी खासी शीतलहर चली थी उसमें उसके नुकसान हुआ था, उसके बाद जो बारिश हुई थी उसने जरूर कुछ राहत दी थी, लेकिन अब रबी की फसल को बारिश की या किसी की जरूरत नहीं है। अभी कटाई का दौर जारी है, तो ऐसे में बारिश होती है तो किसानों की जो कटाई चल रही है उसमें जरूर अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही ओलावृष्टि भी कई क्षेत्रों में हुई है, तो ये फसल को नुकसान जरूर हो रहा है। जी क्या लगता है प्रदीप, जिस तरह से लगातार किसान मांग भी उठा रहे हैं, मुआवजे की मांग उठाई जा रही है, क्योंकि इससे पहले भी उनके द्वारा कहा गया था कि 50 से 70% की उनकी खेती बर्बाद हो चुकी है। जी बिल्कुल, झुंझुनू जिले सहित कई जिलों में भी खासी इस बार किसानों पर दोहरी मार हुई है। और मुआवजे की बात करें तो मुआवजे से ज्यादा किसानों को फायदा होने की संभावना नहीं रहती है, क्योंकि इसकी एक लंबी प्रक्रिया होती है, आखिर में कुछ हाथ नहीं आता है। लेकिन अच्छी बारिश के साथ अच्छी फसल होती है। बिल्कुल, यानी कि समझा जा सकता है कि प्रदीप किसानों की चिंता बहुत ज्यादा बढ़ा दी है बारिश ने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।